हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम आपको बहुत ही देखिए सिंपल तरीके का और बहुत ही इजीली ये डोरमेट बना के बताएंगे आपको। तो देखिए बनाने में बहुत आसान है और देखिए देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो इस तरीके का ये डोरमेट आपको बना के बताएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिए तीन कलर ले लिए हैं। यहाँ पर हमारे तीन कलर हैं, रेड कलर है और घिया कलर है, और देखिएगा ये हमारा वाइट कलर है। तो तीन कलर हम ले चुके हैं, तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले लीजिएगा जो आपको सही लगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। तो देखिए इसको बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो बनाते किस तरीके से इसको बनाना है, तो देखिए बनाने के लिए हमने इसमें 20 फंदे डाले हैं। तो आप इसे कपड़े में पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको बड़ा बनाना है तो ज़्यादा फंदे रख लीजिएगा, कम छोटा बनाना है तो कम फंदे रख लीजिएगा। तो आप जिस हिसाब से आपको बड़ा छोटा बनाना है उसी हिसाब से आप फंदे रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा डोरमेट कैसा लगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिएगा बनाते हैं, ये हमारे 20 फंदे हैं यहाँ पर देखिए। अब स्टार्टिंग से ही हम आपको बना के बताएंगे। पहली पत्ती हमने बना ली है, देखिए पूरी सिलाई को इसको इस तरीके से बना लेते हैं उल्टा उल्टा, सभी फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। तरीके से पूरी सिलाई को बना लिया उल्टा उल्टा। अब यहीं से देखिए एक कलर चेंज करते हैं, वाइट कलर को ये। इसकी भी दोनों तरफ से एक उल्टी तरफ से उल्टी और एक सीधे तरफ से उल्टी उल्टी बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही पूरी सिलाई को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने वाइट इस कलर से भी पूरी सिलाई को बना लिया है, दोनों तरफ से, एक सीधे तरफ से और एक उल्टे तरफ से। तो देखिए अब यहाँ से हम बैक साइड से कलर चेंज करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन डालेंगे यहाँ से इस वाले कलर से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से फंदा बढ़ाते हुए देखिए बनाएंगे। एक फंदा बढ़ गया, दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने बना लिए। तो देखिए यहाँ पे छः फंदे हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए बाकी कलरों को दबाते हुए चलेंगे, ये रेड कलर से बनाएंगे। पूरा देखना इसको रेड कलर से बनाएंगे, ये इस तरीके से और यहाँ पे ये हम एक दो दो फंदे बिगड़ बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। ठीक है, इधर से हम दो फंदे बिगड़ बुने छोड़ेंगे हर उल्टी सिलाई पे, और इधर से हम छह फंदे बढ़ाएंगे डिजाइन वाले बनाएंगे। और देखिएगा सीधे तरफ हैं, अब तो सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा उसको वैसा ही बना लेंगे, ये उल्टा उल्टा इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से ये हम पूरा उल्टा उल्टा रेड को रेड से बनाया। देखिए ये जो हमारा दूसरा कलर है इसको हम आगे लाएंगे, और जो हमारे छह फंदे हैं इन छह फंदों को देखिए हम बनाएंगे, जो हमने धागे लपेट के बनाया था इस वाले फंदे को भी बना लिया। देखिए छह फंदे हो गए यहाँ पे, दो चार छः। अब देखिएगा छह फंदे बनाने के बाद में फिर उल्टे तरफ आ गए हैं, तो फिर से देखिए ये इस तरीके से देखिए सिलाई पे धागा लपेटते हुए इस तरीके से और फंदे को बिनेंगे। बिन लिए यहाँ पे, तीन चार पाँच छः, देखिए एक फंदा बढ़ता हुआ जाएगा तो हमारा डिजाइन इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए इस वाले फंदे को रेड से बनाएंगे, बाकी को रेड से बनाएंगे पत्ती को,
और जो डिज़ाइन डालेंगे वो कलर चेंज करके डालेंगे इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पे दो फंदे फिर से छोड़ देंगे बिगर बुने, दो पहले छोड़े थे, दो अब छोड़ दिए और यहीं से वापस हो जाएंगे। वापस में सीधे तरफ से जो जैसा कलर है उसको वैसा ही बना लेते हैं। तो बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए सीधे तरफ से हमने बना लिया, फिर से उल्टे तरफ है। तो देखिए एक हमने इसकी घिया कलर से बनाई है और एक वाइट से बनाई है, तीन कलर हैं। देखिए अब ये रेड से बनाएंगे और इस वाले धागे को इस तरीके से अंदर की साइड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी कलरों से इस तरीके से धागे को उनको इस पर लपेटेंगे सिलाई पर, पहला फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा और ये हमारे छः फंदे ही बनाने हैं हमें हर बार। देखिए दो चार छः, और जब हमारा रेड कलर आएगा जो हमारा ये देखिए वेस कलर है, तो सभी फंदों को एक कलर से बनाएंगे जैसे अब हम बना रहे हैं। और जो बाकी के कलर हमने ये डिज़ाइन में डाले हैं तो उनको डिजाइन ही बनाएंगे। ये दो फंदे देखिए यहाँ पे फिर छोड़ दिए बिगर बुने, यहीं से वापस हो गए। हर देखिए हर उल्टी सिलाई पे दो फंदे इधर से छोड़ने बिगर बुने, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा उसी कलर से हम बनाएंगे। तो ये हम देखिए हर सिलाई पे ऐसे डिजाइन को चेंज करते हुए जाएंगे, कलर को देखिएगा इस तरीके से हमारा बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने छः फंदे छोड़ लिए हैं दो दो करके, देखिएगा दो चार छः, और इधर हमारे तीन फंदे बढ़ चुके हैं। तो इधर हमारे 10 फंदे बढ़ जाएंगे और इधर हमारे देखिए 20 फंदे हैं। तो दो दो करके हम 10 बार में छोड़ देंगे, तो इनको छोड़ लेते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने डिज़ाइन आपको बना के बताया है, सेम तरीके से इधर हम डिज़ाइन बनाते हुए चले जाएंगे। तो बना लेते हैं आपको इतना फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस, 20 फंदे हमने देखे यहाँ पे छोड़ दिए दो दो करके बिगर बुने। और यहाँ पे हमने देखे दो चार छः, छः फंदे हमारे ये डिजाइन के हो गए। और देखिए चार फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं। तो देखिए हमारे ये बड़े हुए फंदे हैं जो हमने बढ़ाए थे, देखिएगा। अब हम सभी फंदों को 20 फंदे हम छोड़ चुके हैं दो दो करके, अब हम इन सभी फंदों को वाइट कलर से बनाएंगे पूरा। देखिए इस तरीके से फंदा नहीं बढ़ाया अब हमने, डिजाइन वाले छह फंदे हमने देखिए बना दिए यहाँ पे वाइट से। और जो हमारी रेड कलर के फंदे हैं छूटे हुए इनको भी हम इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये चार फंदे जो हमारे रेड कलर के थे वो हमारे बड़े हुए हैं और छह फंदे वो भी, तो 10 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं और 20 फंदे हमारे यहाँ पे ये छोड़ गए। तो देखिए यहाँ पे हमारा वाइट कलर है तो इसलिए हम सभी फंदों को वाइट से बनाते हुए ले आएंगे इस तरीके से। देखिए जो हमने छोड़े थे उनको भी बना लेंगे क्योंकि हमारा ये वाइट का वाइट में मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हमारी आधी पत्ती बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अभी वाइट को बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, देखिए पूरा वाइट हो गया है यहाँ पे, देखिएगा। तो हमारी आधी पत्ती अब बन गई है। अब सीधे तरफ से देखिए पूरा जो जैसा कलर है ये पूरा वाइट है, तो इसको वाइट से ही बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए पूरा वाइट से बना लेते हैं आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा पूरी सिलाई हमने वाइट कलर से बना ली है। तो अब देखिए हमारे ये वाला कलर है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में इधर यही वाला कलर लगाएंगे। ध्यान रखना है जो कलर हमारे वाइट वाले के पास में होगा उसी कलर को इधर हमें लगाना है। देखिए हमारे हमारे यहाँ पे 20 फंदे हमने दो दो करके छोड़े थे, तो 20 सिलाइयों में छोड़े थे, अब देखिए सॉरी 10 सिलाइयों में, तो हमारे यहाँ पे 10 फंदे बढ़ चुके थे एक एक करके। देखिए 10 फंदे हम यहाँ पर ये दो का एक किया और इस वाले कलर से देखिए यहाँ पर बनाएंगे दो तीन चार पाँच छः, दो चार छः, छः फंदे देखिए हमारे छः ही आएंगे डिजाइन में। इधर को बढ़ता हुआ था, जब भी छः आए थे अब घटता हुआ आएगा, अब भी छः ही आएंगे देखिए। और यहाँ पे दो तीन
चार। तो देखिए चार, ये हमारे यहाँ पर टोटल 10 फंदे हो चुके हैं। अब दो फंदे यहाँ से हम बनाएंगे, ये से वापस हो जाएंगे। 10 फंदे हमारे ऐसे हो चुके हैं क्योंकि 6 फंदे हमारे डिजाइन के थे और 4 फंदे हमारे रेड कलर के थे, जो हमारे दो दो करके छोड़े नहीं थे, हमने 20 फंदे छोड़ दिए थे, इसलिए हम 4 फंदे हमने वो बनाए हैं और 2 फंदे हमने देखिए इस सिलाई में से बनाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया है और 2 फंदे हमने छोड़े थे, एक फंदा घटाने के साथ में बढ़ाने के साथ में, तो इसीलिए हमने एक फंदा घटाने के साथ में 2 फंदों को बना दिया है। और देखिए सीधे तरफ से जो जैसा कलर है उसको उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए रेड को बनाया और जो हमारा ये देखिए डिजाइन वाला कलर है इसको आगे किया और ये 6 फंदे इससे बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिएगा इसके बाद में हमारा इस कलर के बाद हमारा वाइट कलर है, अब वाइट कलर को बनाएंगे। तो फिर से यहाँ पे ये 2 का एक करेंगे और इस सभी उनको इधर से दबाते हुए चलेंगे। तो 2 का एक करते हुए देखिए 10 फंदे हमें घटाने हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये 6 फंदे हमें इधर रखने हैं डिजाइन की। देखिए 2, 4, 6 फंदे हो गए हैं और 2, 4, 3, 4, 5। अब 2 फंदे फिर से देखिए यहाँ से बनाएंगे वाइट वाले में से, 1, 2 फंदे इस वाले सिलाई में से बनाते हुए जाएंगे और इधर से एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। और ये कलर को देखिए जैसे हम बनाते हुए लाइन चेंज करके इसी तरीके से इसको चेंज करते हुए चले जाएंगे और सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा उसको इस तरीके से देखिए वैसा ही बना लेंगे। ये इस तरीके से सीधे तरफ से कुछ नहीं करना, जो जैसा कलर है उसको उसी कलर से बना लेना। देखिए इसके बाद में वाइट के बाद में रेड को बनाएंगे, फिर से 2 का एक करेंगे और ये वाले उनको इस तरीके से आगे साइड दबा देंगे। यहाँ पे 2 का एक किया। अब रेड कलर से तो हम देखिए सभी फंदों को एक ही कलर से बनाएंगे क्योंकि बेस कलर हमारा इसमें रेड है। तो इस तरीके से हम ये 2-2 करके सभी फंदों को बना लेते हैं और इधर से हम 2 का एक करके स्टार्टिंग में 10 फंदों को कम कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से यहाँ से फिर से 2 फंदे बनाएंगे, 1, 2 और सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा उसको उसी कलर से बनाएंगे। तो देखिएगा ये हमारा पहले इधर को बढ़ता हुआ आया है डिजाइन, अब देखिए इधर को ये घटता हुआ चला जाएगा। जैसे हमारी ये वाली पत्ती है देखिएगा सेम तरीके से दूसरी पत्ती बन जाएगी, तो बना लेते हैं आपको फिर दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे हैं इधर वाइट के और हमारे ये इसमें 22 फंदे हैं, अभी 20 फंदे थे। तो देखिए यहाँ पे फिर से 2 का एक किया, मेरे कलरों को इस तरीके से दबाएंगे, ये सभी फंदों को रेड से बनाते हुए जाएंगे। दोनों फंदों को बना दिया, देखिए सभी फंदे बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तो देखिए हमारे ये 20 फंदे हैं। देखिए इधर से हम पूरा रेड को बनाते हुए जाएंगे, इस तरीके से बना लेते हैं इसको। ठीक है हमारे यहाँ पे 20 फंदे रह चुके हैं। तो अब हम जैसे हमने यहाँ पे बनाई देखी ये वाइट की एक सिलाई वाइट की बना देते हैं दोनों तरफ से, ये इस तरीके से वाइट की बनाने के बाद में एक सिलाई फिर से रेड की बनाएंगे, एक उल्टे तरफ से और एक सीधे तरफ से। तो टोटल 2 सिलाई वाइट की हो जाएंगी, टोटल 2 सिलाई हमारी रेड की देखिए
और कुछ नहीं करना, फंदा भी नहीं बढ़ाना है ना घटाना, पूरा पूरा उसी तरीके से बनाना है। जितने फंदे हैं उतने फंदों को हम बना लेते हैं कि इस तरीके से, ये सभी फंदे बन चुके देखिए। अब इधर से भी इसको ऐसे ही सादा सादा इस तरीके से बनाना है, देखिए इसी तरीके से। इसे बनाने के बाद में रेड की भी एक सिलाई इसी तरीके से बना लेते हैं। देखिएगा पूरी पत्ती ये इस तरीके से बन के हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए इसी तरीके से हम पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने दो पत्ती बना दी हैं और इसे बनाने के बाद में आप कोई भी कलर का देखिए यहाँ पे इस तरीके से पॉम पॉम लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको सुंदर सा प्यारा सा और न्यू डिज़ाइन डोरमेट आपको बना के बताया है। तो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा डोरमेट कैसा लगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।